हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेस टॉपिक इज रिटन सोर्सेस मीन्स लिखित साधने। द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन पेंटिंग ऑन अ रॉक। जो स्टोन एज के पीपल थे वो क्या करते थे, उनके एक जो एक्सप्रेशन थे वो किस पे एक्सप्रेस करते थे, रॉक पे। इट मीन्स जो भी उनके इवेंट थे वो रिकॉर्ड वो रॉक पे पेंटिंग पे करते थे। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर दैट मैन लर्न्स द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग करने के लिए मैन को हजारों साल लगे थे। तो सबसे पहले मैन क्या करते थे, उनकी जो आइडियाज थे, इमोशंस थे, वो इवेंट्स थी वो रिकॉर्ड करते थे पेंटिंग ऑन रॉक, पेंटिंग के जरिए रॉक पर वो पेंटिंग निकालते थे। इन द बिगिनिंग ह्यूमंस यूज सिम्बॉल एंड साइन। तो शुरुआत में लोग क्या करते थे, क्या यूज करते थे, सिम्बॉल एंड साइन टू रिकॉर्ड देयर थॉट एंड आइडियाज, उनके जो थॉट थे आइडियाज थे इसके लिए। हाउएवर इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस। तो इससे उनको डेवलप होने के लिए हजारों साल लगे थे। इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन पॉटशर्ड अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो बिगिनिंग में क्या हुआ, देखो मैन रोट किस पे करता था, पॉटशर्ड पे, अनबेक्ड ब्रिक पे, पॉट पे लिखता था, अनबेक जो ब्रिक्स थे मीन्स टूटी हुई वेट, यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के जरिए वो उस पर लिखते थे। ही आल्सो यूज बिर्च भुर्च ट्री वर्क टू राइट ऑन। तो जो बिर्च भुर्च ट्रीज थे वो लिखने के लिए वो यूज़ करते थे। एज दिस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ते गया वो लिखने लगे। ही बिगेन टू राइट इन डिफरेंट वेज, तो डिफरेंट वेज से फिर वो लिखने लगे। ही बिगेन टू रिकॉर्ड द इवेंट दैट टुक प्लेस अराउंड हिम। तो जो भी कुछ इवेंट्स उनके अराउंड में होती थी वो लिखने लगते थे। अकाउंट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल कोर्ट्स आर ऑल्सो रिटन सिस्टमेट। ये जो प्रोसीडिंग थी रॉयल कोर्ट्स में, जो कामकाज की बातें थी वो भी वो सिस्टमेटिकली रखने लगे, रिटर्न करने लगे। मैनी रूलर्स एंड देयर ऑर्डर जुडिशियल डिसीजन डोनेशन एंड स्क्रैम और स्टोन कॉपर प्लेट। तो जो भी कुछ जुडिशियल डिसीजन न्यायालय डिसीजन डोनेशन जो भी दान धर्म थे वो भी इस कॉपर प्लेट पर लिखा जाता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर डेवलप, और जैसे जैसे कुछ दिन गए लिटरेचर डेवलप होते गया। दे इंक्लूड बुक ऑन रिलीजन एंड सोशल सब्जेक्ट, तो उसमें रिलीजियस बुक आए, सोशल सब्जेक्ट आए, प्लेस पोइट्री ट्रावलीजेस आए, साइंटिफिक वर्क, ऑल द लिटरेचर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल। तो जो कुछ ट्रैवलेज मीन्स जो ट्रैवलेजेस थे, साइंटिफिक वर्क थे, पोएट्री थे, प्लेस थे, इसके जरिए क्या हुआ, धीरे धीरे लिटरेचर अंडरस्टैंड, इनके जरिए लिटरेचर को अंडरस्टैंड होने लगा। हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड दिस सोर्सेज आर नोन एज द रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो इसके जरिए जो लिखित हिस्ट्री है इसके जरिए हमें रिटन सोर्सेज के बारे में पता चलता है। तो ये लिटरेचर है, ट्रैवलेजेस है, साइंटिफिक वर्क है, प्लेज है, इस तरह से। डू यू नो भुर्जपत्र मीन्स राइटिंग ऑफ राइटिंग शीट मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द बिर्च ट्री। भुर्जपत्र एक राइटिंग शीट है जो कैसे बनी है, बिर्च ट्री से। कैसे बनी है, मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ बिर्च ट्री। भुर्ज इज द संस्कृत नेम ऑफ बिर्च ट्री। भुर्ज क्या है, संस्कृत नेम है बिर्च ट्री का। बिर्च ट्रीज आर फाउंड इन कश्मीर। बिर्च ट्री कहाँ पे मिलते हैं, कश्मीर में। ओके, थैंक यू।